हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो फ्रेंड्स, ये जो एलईडी बल्ब है इसकी रिपेयरिंग के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूट्यूब में आपने देखा होगा, यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पर जो एलईडी ख़राब हो जाती है तो उसको तोड़ के दूसरी एलईडी नहीं लगाते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं या फिर फ्रेंड्स रजिस्टर लगा देते हैं या फिर दूसरी एलईडी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर की ख़राब होती है तो वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर तोड़ के आप दूसरी लगा दो तो सबसे बेस्ट है। अगर इसको कम करते हो तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसमें आईसी लगी होती है वो आईसी एक फिक्स एम्पियर को जनरेट करती है। और लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है, आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स कि जब हम इसको रिपेयर करते हैं तो हमारे जो एलईडी बल्ब है 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। चाहे आप कैसा भी तरीका अपना लो, कोई सा भी तरीका अपना लो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उससे आप यहाँ पर 1 साल 2 साल 3 साल तक भी आपका जो एलईडी बल्ब है वो कभी ख़राब नहीं होने वाला है। 2 साल तो फ्रेंड्स मैंने यूज़ करके देख लिए हैं, हमारे जो मेरा जो सर्किट है उसके थ्रू जो मैंने एलईडी बल्ब प्रिपेयर किए हैं 2 साल तक मैंने खुद ने चेक किए हुए हैं, मेरा अभी तक कोई सा भी बल्ब है वो ख़राब नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स जो आज हम इसको रिपेयर करेंगे तो ये फ्रेंड्स परमानेंट रिपेयर हो जाएगा, और जैसे कंपनी का बल्ब आता है 2 साल की वारंटी के साथ, वैसे ही फ्रेंड्स हमारा भी ये 2 साल की, कंपनी 1 साल देती है, पहले 2 साल देती थी तो, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स जो है हमारे सर्किट से हम जो बनाने वाले हैं उससे आराम से ये 2 साल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये एक कैपेसिटर के थ्रू भी यहाँ पर एक एलईडी बल्ब का ड्राइवर बनाते हैं और उसके बाद में उसको चलाते हैं तो वो भी नहीं चल पाता है, क्योंकि वो फ्रेंड्स उसमें भी कुछ कमी होती है। तो वो क्या क्या कमी है आपको फ्रेंड्स हम बताएंगे आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड इसको मैं खोल के एक सर्किट बनाऊंगा, जो जो सर्किट है उससे फ्रेंड जो हमारा एलईडी बल्ब है 2 महीने 3 महीने नहीं, 1 से 2 साल आराम से चलेगा। तो जो सर्किट बनाएंगे फ्रेंड्स वो आप जरूर देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूज़फुल फ्रेंड्स ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो बल्ब है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, ऐसे नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में ही ख़राब हो जाए। और जो सर्किट है फ्रेंड्स मैं खुद यूज़ करता हूँ, हमारे घर पर जो एलईडी बल्ब हैं वो जो ख़राब होते हैं सारे, तो वो मैंने सारे वो हमारे जो सर्किट है उसके थ्रू मैंने फ्रेंड्स वो सर्किट बनाया है और उसमें लगाया है। और फ्रेंड्स वो करीब 1.5-2 साल हो गए हैं वो सर्किट को फ्रेंड्स, और जो हमारे बल्ब हैं वो बल्ब भी 1.5-2 साल हो गए हैं तो वो अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं फ्रेंड्स। तो जो सर्किट है वो बहुत ही अच्छा यूज़फुल सर्किट है। तो इसमें जो कंपोनेंट लगेंगे आधे से ज़्यादा कंपोनेंट हमारे जो ये सर्किट है इसी के यूज़ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स जो है मेन आईसी ख़राब होती है, आईसी या कैपेसिटर ख़राब होते हैं या फिर यहाँ पर जो एसएमडी एलईडी होती है वो ख़राब होती हैं। मोस्ट ऑफ द केस फ्रेंड्स एलईडी जो ये है ये नहीं ख़राब होती है, हमारी आईसी है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर फ्रेंड्स बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, वो आईसी की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आईसी अगर फ्रेंड्स ख़राब हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना ये समझ लो कि है ना आप ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है उसको रिप्लेस करना, और मार्केट में वो आईसी मिलती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स बिना आईसी के रिप्लेस करेंगे और हम फ्रेंड्स जो सर्किट बनाएंगे वो आप जरूर देखें फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो सर्किट है हमारा खोल लिया है और यहाँ आप देख सकते हो इसको मैंने रिपेयर किया है, पहले भी रिपेयर किया था फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इसमें फ्रेंड्स आपने देखा है कि कंपोनेंट बहुत ही कम है, और यहाँ पर ये आपने यूट्यूब पे दिखा होगा ये कैपेसिटर को चेंज करके दिखाते हैं और वो सही हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर ये कैपेसिटर है ये भी सही है, सब कुछ सही है तो क्या करोगे। तो मेन फ्रेंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी एलईडी है, ये जो आईसी है, ये आईसी ही फ्रेंड्स यहाँ पर ख़राब है, यहाँ आप देख सकते हो ये आईसी है वो हमारी ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और जो सारे कंपोनेंट है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये सर्किट है वो मैंने बनाया है, यहाँ पर ये जो सर्किट है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है वो हमारे ये जो एलईडी बल्ब है उसी की कंपोनेंट है, उसी को हमने यूज़ किया हुआ है। और ये जो फ्रेंड जो सर्किट है वो लॉन्ग लास्टिंग सर्किट है, बहुत ही यूज़फुल सर्किट है, टेस्टेड सर्किट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, खुद के घर पर टेस्ट किया हुआ है। तो ये जो सर्किट है वो कैसे बनाया है अगर फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो सर्किट मैंने बनाया है, आप फ्रेंड्स कोई से भी एलईडी बल्ब, किसी भी कंपनी का एलईडी बल्ब हो उससे हम ये जो सर्किट है वो बना सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। बट फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है कंपोनेंट कम है और यहाँ कंपोनेंट ज़्यादा है, कैसे हैं फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें ये जो रजिस्टर है वो यहाँ लगा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर एक ये कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर है, यहाँ पर भी ये आप देख सकते हो कपलिंग कैपेसिटर है, इसके बाद में फ्रेंड्स ये एक एमओवी यहाँ लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये कोईल लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये कोईल है वो नहीं लगी हुई है, आप यहाँ देख सकते हो। तो सबसे मेन तो ये है कि कोईल नहीं है यहाँ पर, अगर कोईल होती तो हमारा जो सर्किट है और लॉन्ग लास्टिंग होता, लेकिन ये जो कोईल है वो नहीं है। अगर आपके यहाँ पर भी कोईल नहीं है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, बिना कोईल वाला है सर्किट वो भी हमारा काम करेगा, लेकिन अगर कोईल वाला है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, वो इसमें यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो सबसे मेन क्या क्या हटाना है क्या क्या नहीं हटाना है तो वो हम यहाँ पर ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करके फ्रेंड्स उन चीज़ों को हटाएंगे और कौन कौन सी कहाँ कहाँ चीज़ लगेंगी, कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगेगा वो चीज़ फ्रेंड्स हम यहाँ पर ड्राइंग करके फिर आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने दो सर्किट बनाए हैं,
तो एक सर्किट फ्रेंड्स इसका है और एक सर्किट हमारा इसका है। तो ये जो 10 सर्किट है फ्रेंड्स जो कंपनी से आए हैं वो वाले सर्किट है। अभी इसमें हमारा जो कंपोनेंट कहाँ का इंक्लूड करने हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में यहाँ पर हमारी जो आईसी है वो लगी रहती है, वो स्विचिंग कराने के बाद में यहाँ पर एलईडी लगी रहती है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है फ्रेंड्स ये होता है, ये हमारा सारा प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारी एसी लाइन होती है एसी लाइन को फिल्टर करती है, और वो एसी लाइन में फ्रेंड्स प्रॉब्लम आती है हमारे में, लाइट जब जाती है आती है, या फिर कभी कभी है ना वोल्टेज ज़्यादा जाती है, कभी वोल्टेज कम आती है। तो वो सब चीज़ की प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमओवी भी लगा रहता है, और यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स की अभी आप देख सकते हो इस वाले जो सर्किट है, इस वाले सर्किट में यहाँ पर बस ओनली एमओवी ये वाला लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके साथ में ही ये एक एमओवी लगा हुआ है इसमें। इसके बाद में फ्रेंड्स सीधा ब्रिज रेक्टिफायर के पास गया हुआ है, और यहाँ पर एक और जो कैपेसिटर है ये वाला लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें तो बस यही कंपोनेंट है। यहाँ पर एक फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो दो कंपोनेंट एक्स्ट्रा है, एक यहाँ पर एक कोइल है वो एक्स्ट्रा लगी हुई है, दूसरा यहाँ पर एक ये जो है ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है वो भी है। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है कपलिंग कैपेसिटर होता है, और यहाँ पर ये कोइल होती है। तो ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर फिल्टर करने के लिए होती है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स ऐसा जो आपको मैं दिखाऊं, और यहाँ पर आपने देखा होगा तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगा है, इसके बाद में ये कैपेसिटर लगा है, इसके बाद में ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू यहाँ आया है, और यहाँ पर ये जो है इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मिला हुआ है, यानी कि ये जो कोइल है वो यहाँ लगी हुई है। तो ये भी फिल्टर का काम करती है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये जो सब है फ्रेंड्स हमारी जो एसी लाइन आती है, एसी लाइन में फ्रेंड्स कोई पीक आ जाता है कभी कभी, जैसे ऑफ लाइट ऑफ होती है या ऑन होती है, या हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ पर एक पीक आती है फ्रेंड्स वोल्टेज की। कभी आपने नोटिस किया होगा जब अगर हम मीटर है मीटर को चेक करते हैं, तो अगर हमने जैसे 700 पे सेट किया हुआ है, और जैसे ही हम वोल्टेज को एक बार लगाते हैं तो यहाँ पर एक पीक नज़र आ जाता है, या फिर हम जैसे इसको लगा के और जैसे ही भी ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज जैसे 240 है, तो एकदम से सीधा फ्रंट 300 या 400 वोल्टेज आपको शो होगी। तो वो जो 300-400 की वोल्टेज को शो होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सारा फिल्टर है ये सब लगाया जाता है। और वही प्रॉब्लम है, और अगर वही प्रॉब्लम अगर नहीं ख़त्म होगी तो हमारा यहाँ पर आपने देखा होगा तो नेट पे क्या करते हैं, इस ये जो सर्किट नहीं बनाते हैं इसके आदमी में फ्रेंड ये जो है ये जो सर्किट है पीएफ से बनाते हैं, और पीएफ से डायरेक्ट लगा देते हैं। तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो वो जो एकदम स्पाइक आती है फ्रेंड, वो स्पाइक की वजह से हमारा जो एलईडी जो है, एलईडी में जो हमारी वोल्टेज है वो एकदम बढ़ जाती है, एम्पियर बढ़ जाता है, और हमारी जो एसएमडी लाइट है वो ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी एक ही ख़राब हो जाती है, कभी कभी सारी ख़राब हो जाती है। तो वो फ्रेंड जो पीएफ का जो हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है। तो वो जब फ्रेंड्स हम बना देते हैं तो महीने 2 महीने के बाद में चलता है, और उसके बाद में ख़राब हो जाता है, क्योंकि एलईडी फ्रेंड्स जो है इस पर लोड पड़ता है और हमारी जो एलईडी है वो ख़राब हो जाती है। तो यही कारण है फ्रेंड्स जो पीएफ कैपेसिटर है, जो हम ये जो पीएफ ड्राइवर होते हैं ये जो हम बनाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग इसलिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम यही करेंगे कि ये जो सर्किट है इसको हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करके जो हमारा सर्किट है वो बनाएंगे, जिससे हमारा जो सर्किट है वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये हम यूज़ करेंगे तो जो स्पाइक आएगी वो स्पाइक हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये जो सब चीज़ है वो स्पाइक को ख़त्म करने के लिए होता है। जैसे ये फ्रेंड्स ये जो कपलिंग है, कपलिंग का जो कैपेसिटर है ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये जो है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर यहाँ पर नहीं लग रहा है तो यहाँ, यानी कि ये यहाँ पर या यहाँ पर कहीं लगना चाहिए। इस वाले सर्किट में 2 लग रहे हैं, इस वाले में 1 लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लगाना चाहो तो अगर ऐसा कोई लोकल सर्किट आ जाएगा, बिल्कुल लोकल जो होता है उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो कंपनी के होते हैं फिलिप्स के या फिर सैमसंग या जो भी कुछ के कोई से के भी आते हैं, ये आप देख सकते हो ये है, ये सिल्वर बीम करके एक है। तो जो कंपनी के फ्रेंड जो सर्किट होते हैं उसमें ये जो सारा सर्किट है ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर ये है तो इसको अगर ये यूज़ ना करो, ये वाला सर्किट आप यूज़ करो, तो और जो हमारा जो सर्किट है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी फ्रेंड्स यहाँ पर। तो वो जो अगर हमने यहाँ पर ये सॉल्व की है, ये कंपनी वालों ने ये जो सर्किट में ये जो ज़्यादा फिल्टर बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया है, ये सब फ्रेंड्स आईसी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आईसी में फ्रेंड्स ये सब हटा दें तो हमारी आईसी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। आप अगर ये चाहो तो ये फ्रेंड्स आप नया बल्ब ला के ये जो सारा सर्किट है वो हटाओ, और ये जो कैपेसिटर वगैरह अगर हटाओगे तो भी सर्किट हमारा काम करेगा, लेकिन फ्रेंड्स वो जो सर्किट है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप आईसी है, आप ये देखो यहाँ पर इस वाले में है, इसमें तो हटाया हुआ है, इस वाले में जो आईसी है यहाँ पर आईसी को फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सब ये आप देख रहे हो ये जो सब प्रोटेक्ट का है, ये अगर आप हटा दोगे तो ये आईसी भी फ्रेंड्स ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये भी ख़राब हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स हमारा जो हम रिपेयर करते हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि आईसी फ्रेंड्स ऑलरेडी ही काफ़ी दिन चली हुई होती है, तो इसमें इतना दमखम नहीं होता है कि हमारा जो स्पाइक को संभाल पाए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो मेन चीज़ है वो ये है, यहाँ पर ही
हमें इसको एड डाउन करना है और यहाँ पर ये आउटपुट हो गए। आउटपुट में फ्रेंड्स हमें क्या करना है और इनपुट में क्या करना है और ये सर्किट में क्या एड डाउन करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो सर्किट मैंने बनाया है वो सर्किट यही वाला है और इसमें भी ये काम में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स अगर और चीज़ भी एड डाउन करोगे तो ये सर्किट और अच्छे से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सर्किट अगर आपको मिलता है तो काफ़ी सर्किट में फ्रेंड्स ये जो कॉइल है वो यहाँ लगी रहती है और ये जो MOB है वो यहाँ पर भी लगा रहता है आगे या पीछे, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे कहीं पर हो। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर का ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद में यहाँ पर फिर जो मैन है यहाँ पर ये लास्ट में जो आउटपुट है, आउटपुट में एक ही कैपेसिटर या जो भी कुछ है वहाँ पर जो आउटपुट प्लस का और माइनस का ये देखना पड़ेगा। तो लास्ट जो प्लस रहेगा यानी कि प्लस के बीच में यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में जो IC जहाँ टच होगी तो वहाँ का जो सब हटाना है और हमारे जो दो एक कैपेसिटर बस ये रखना है, बाकी का सब है वो हटाना है। अगर MOV वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्रेंड्स यहाँ पर लगाने दें, लगा रहने दो फ्रेंड्स यहाँ पर वो जो MOV है। बाकी का अगर और कंपोनेंट है वो हटा सकते हो, अगर हमारी कोई यहाँ लग रही है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रेंड्स जो हमें एड डाउन करना है तो यहाँ आप देख सकते हो ये तीन कंपोनेंट है, एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, इसके बाद MOV है और ये हमारी कोइल है। तो ये आगे पीछे हो सकता है वो आपको इशू नहीं है, हमें बस ये पॉइंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बिल्कुल पास में हमें पॉइंट को एड डाउन करना है। और यहाँ जो प्लस माइनस है उसके बाद में एक कैपेसिटर जरूर लगा होगा, यहाँ आप देख सकते हो किसी में भी ये, इसमें भी ये यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें भी कैपेसिटर यहाँ लगा है। और इसमें फ्रेंड्स इसमें कैपेसिटर नहीं लगा, लेकिन ये बिल्कुल लोकल है इसलिए नहीं लगा, लेकिन फ्रेंड्स ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में यहाँ पर यहाँ पर भी ये लगा हुआ है, ये वाला, ये इसमें ये वाला लगा हुआ है यानी कि जो पहले वाला कैपेसिटर है ये नहीं लगा हुआ, ये बाद का कैपेसिटर लगा हुआ है। पहले वाला ये कैपेसिटर को इसने इन्होंने मिस किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला और ये चीज़, दो चीज़ यहाँ पर इसमें एड डाउन नहीं की है, ये चीज़ भी एड डाउन होनी चाहिए तो हमारा जो सर्किट है जो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हमें यहाँ से या फिर यहाँ से कोई से भी पॉइंट को, एक पॉइंट को पकड़ना है यानी कि इस वाले से यहाँ से या यहाँ से और यहाँ के जो बीच है इसको हमें कट कर देना है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से इसके बीच का जो है इसको हमें कट कर देना है। कट करके ये दो पॉइंट आ जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, यहाँ देख सकते हो दो पॉइंट आ जाएंगे। तो या तो यहाँ कट कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट पे, इसके बाद में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर के बिल्कुल पॉइंट पे यहाँ पर, चाहे कहीं पे भी हो, बट यहाँ पर के बाद में इसके बाद में कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में जुड़ा होना चाहिए, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का एक ये पॉइंट लेना है और एक यहाँ पर, तो एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स ये दो पॉइंट कट करने हैं और इसके बाद में यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगाना है, तो एक कैपेसिटर यहाँ लगाना है इसमें। तो ये जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव लगेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर है वो लगेगा यहाँ पर, और उसकी जो वैल्यू है वो 1 UF से 10 UF तक आप रख सकते हो। और जो इसकी वोल्टेज है वो वोल्टेज रहेगी फ्रेंड्स 400 से 450 वोल्ट का कैपेसिटर लेना है, यानी कि उसकी जो वोल्टेज है वो 400 या 450 वोल्टेज होनी चाहिए। और जो उसका UF है वो 1 UF से 10 UF तक आप कोई सा भी बीच में आप ले सकते हो, 1.5 है, 6.8 है या कोई सा भी आप ले सकते हो। तो ये कैपेसिटर ये जो कैपेसिटर है ये हमें यहाँ एड डाउन करना है। इसके बाद में फिर ये जो दो पॉइंट आएंगे यहाँ पर, ये जो दो पॉइंट आएंगे ये हमें LED में देने हैं, ये जो दो है ये हमें LED में देने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर यानी कि ये जो है आउटपुट हो गया, तो ये तो यहाँ पर आउटपुट हो गया। और जो यहाँ पर है यहाँ पर हमें एड डाउन क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर यहाँ एड डाउन करना है, जो ये PF होता है ये वाला कुछ इस टाइप से, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका एड डाउन करना है। अब इसके ही बराबर यानी कि इसके पैरेलल में एक रजिस्टर एड डाउन करना है ये। अब ये इनकी जो वैल्यू है, ये जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो 105 रहेगी, 105J, यानी कि ये जो कैपेसिटर है 105J में रहेगा। और जो वोल्टेज रहेगी वो वोल्टेज फ्रेंड 400 450 समथिंग रहेगी, 600 भी आप ले सकते हो, यानी कि 400 तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए, 400 से कम आप जो भी कैपेसिटर है वो नहीं लोगे फ्रेंड, 400 मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद में चाहे आप 600 तक आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 600 650 तक उसकी जो वोल्टेज है 400 से 600 के बीच होनी चाहिए ये कैपेसिटर की। और जो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर होना चाहिए फ्रेंड्स जो है 1 MΩ का, 1 MΩ का रजिस्टर है, 1/4 में आप यहाँ ले सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड जो ये तीन कंपोनेंट है इसी की मदद से हमारा जो ये सर्किट है वो रेडी हो जाएगा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। आप अगर सोचो कि नहीं फ्रेंड्स ये बहुत ही कम चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो तीन कंपोनेंट है इसकी मदद से ये जो सर्किट है वो मैंने बनाया है, यहाँ आप देख सकते हो।
तो यहाँ पर ये पीएफ लगा हुआ है और 1 मेगा ओम का यहाँ रजिस्टर है। ये पैरेलल में आप देख सकते हो, यहाँ पर पैरेलल में हमने लगाया हुआ है यहाँ पर। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इसमें लगा हुआ है, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में। तो इसको भी मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ आप देख सकते हो, एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक यहाँ पर आ रहा है, ये चाहे यहाँ पर इसमें ले सकते हो, इसमें यानी कि ये यहाँ पर इसमें डायरेक्ट ही आ रहा है ये वाले में, यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसमें दिया हुआ है यहाँ। अब ये आप देख सकते हो, ये जो ये एमओवी है, ये पहले यहाँ पर लगा हुआ है। तो एमओवी के आगे पीछे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एमओवी है, एमओवी के यहाँ पे भी लगा सकते हो, अगर आपका सर्किट में कट करने के लिए नहीं है। अगर यहाँ लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं था, एमओवी यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पर कट करने की स्पेस नहीं था, तो हमने यहाँ पर कट कर लिया है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर लगा हुआ है, तो कट करने की जरूरत, मतलब बिल्कुल पास में लगा हुआ है हमारा, तो इसलिए कट करने की जगह नहीं थी यहाँ पर। और इसमें यहाँ पर थी जगह, तो हमने यहाँ कट कर लिया है। तो यहाँ पर आगे पीछे यहाँ पर थोड़ा कट कर सकते हो अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर यहाँ हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर आप देख सकते हो ये लगा दिया। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है, ये रेड वायर यहाँ आ रहा है, और ये हमने यहाँ पर ये पॉइंट में दे दिया, यानी कि इस यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में दे दिया। तो ये हमारा डाउन हो गया। इसके बाद में ये जो एक ये कैपेसिटर है, वो हमने यहाँ लगाया, यहाँ आप देख सकते हो 6.1 UF में 450 का ये लगा हुआ है। बस ये दो चीज़ ऐड डाउन की है, बाकी का फ्रेंड्स जो पुराना था वही सर्किट है। ये वाले सर्किट फ्रेंड्स मैंने, मेरे घर पे बहुत सारे बल्ब हैं उनमें लगाया हुआ है, क्योंकि 2 साल बाद में, 1 से 2 साल कहाँ, 1.5 साल में ही फ्रेंड्स हमारे जो बल्ब हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने यूज़ किए हुए हैं सारे, में मैं यही यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा चलता है मेरा सर फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आपके जो LED बल्ब हैं वो भी अच्छे से चले। तो इनका परफॉर्मेंस क्या होता है फ्रेंड्स, बना के एक बार मेरे को कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। अगर आपका यूज़फुल लगे, आपका ये जो सर्किट है बहुत पसंद आए, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर सकते हैं, एक बार यूज़ करके आप मेरे को बना बताइए। कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है, कोई कमी है इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें फ्रेंड्स। इस सर्किट को बनाएं, बना के यूज़ करें, और उसका फीडबैक मेरे को जरूर दें फ्रेंड्स, जिससे मेरे पास तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसमें आपके पास क्या क्या कमी आ रही है इसमें, आप मेरे को जरूर दें, जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, या हम अगर जो कमी है उसको जरूर सोल्व करेंगे हमारे इस सर्किट में। तो एक बार ज़रूर फ्रेंड्स हमें फीडबैक जरूर दें फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये 3 कंपोनेंट की मदद से हमारा जो सर्किट है वो बन गया है और रेडी है। और इसको मैं फ्रेंड्स एक बार आपको चेक करा के दिखा देता हूँ, और इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पर। तो इसको मैं बनाऊंगा तो आपको यहाँ पर साफ नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि घचबच घचबच सा हुआ पड़ा है, कौन सा टाका कहाँ लूँगा, तो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पुरानी PC भी है ये, इसमें भी वायर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो कहाँ कहीं कहीं यूज़ किए हुए हैं, तो इसमें समझ में नहीं आएगा। पर यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सा वायर है जोड़ा है। यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया है। यहाँ पर ये जो रजिस्टर है, यहाँ पर इसका एक और वायर है और ये वायर है, तो यहाँ पर ये सर्किट फ्रेंड्स लगा दिया है। 7 वाट की हमारी, 9 वाट की हमारी आप देख सकते हो LED है यहाँ पर। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको थोड़ा बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि अगर जब ये भी ये सर्किट बनाऊँ, तो बनाने के बाद में फ्रेंड्स एक बार सीरीज बल्ब से इसको चेक करिए फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप यूज़ करते हो, तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, यानी कि जो ये है, ये भी कभी कभी LED बल्ब का ख़राब होता है। तो वैसे तो फ्रेंड्स अगर ये ख़राब होगा तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर को एक बार फ्रेंड्स हमारे मीटर से ज़रूर चेक कर ले कि हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो चालू है नहीं है। और इसके बाद में फ्रेंड्स ये जो हमारा MOV है, इसको चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द केस ये जो कैपेसिटर और ये ख़राब नहीं होते हैं, दो चीज़ ख़राब जरूर निकलती है यहाँ पर, MOV ख़राब निकलता है या हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये ख़राब निकलता है। तो जब ये भी आप ये सर्किट बनाओ, तो ये दो चीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। कैपेसिटर वगैरह बहुत ही रेयर चांस में यहाँ पर ख़राब होते हैं ये, वरना ही ख़राब नहीं होते फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ये सीरीज बल्ब है, इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर ये सीरीज बल्ब से मैं एक बार इसको आपको चेक करा के दिखाता हूँ। पहले तो इसकी रोशनी आप देखिए फ्रेंड्स एक बार, तो यहाँ आप देख सकते हो रोशनी बहुत ही इसकी ब्राइट, काफ़ी ब्राइट है, यहाँ आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा, काफ़ी अच्छी ब्राइट रोशनी है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा सर्किट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और हम फ्रेंड्स अगर यहाँ पर स्पार्क भी करें बार बार, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो, अगर मैं ऐसे स्पार्क भी कर रहा हूँ, तो अगर आप जो दूसरा बनाओगे सर्किट जो यूट्यूब पे देखा है, अगर वो उससे हम ऐसे स्पार्क करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सर्किट है वो ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं कैसे भी स्पार्क कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो
लेकिन हमारा जो सर्किट है वो ख़राब नहीं हो रहा, बिल्कुल ओके कंडीशन में फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल सर्किट है फ्रेंड्स, मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा ये सर्किट बनाइए, यूज़ कीजिए। और अगर फ्रेंड्स इसमें कुछ भी गड़बड़ हो या गलत हो तो आप मेरे को फीडबैक कर सकते हो, उसमें गालियाँ भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, अगर ये सर्किट ख़राब हो और अगर सर्किट आपका काम नहीं करता हो या 2 दिन में ख़राब हो जाए तो आप मेरे को गालियाँ भी दे सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स एक बार ये ज़रूर बनाए और बना के इसको यूज़ करें फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स, ये जो सर्किट है बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर एलईडी अगर आपकी कोई डैमेज है तो फ्रेंड्स एसएमडी डैमेज है तो वो उसको रिप्लेस कर दीजिए, और अगर चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 5-6 रुपये में मार्केट में मिलती हैं। अगर आप नई एलईडी जो एमसीपीसीबी है नई अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है फ्रेंड्स, अगर अगर पुरानी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, अगर इन केस उसमें से कोई अगर एसएमडी ख़राब होती है तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, और ऐसे नहीं कि शॉर्ट सर्किट ना करें फ्रेंड्स यहाँ पर, उसको रिप्लेस ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा सर्किट है फ्रेंड्स यहाँ पर, आप देख सकते हो ब्राइट, बहुत ही ब्राइट है, यहाँ आप देख सकते हो रोशनी बहुत तेज़ है, ऐसा नहीं कि रोशनी कम है यहाँ पर, बहुत अच्छे से सर्किट काम कर रहा है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे नहीं लगता बनाने की आपको नीड रहेगी यहाँ पर, तो बहुत ईजिली है यहाँ पर, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सर्किट हमने यहाँ पर कैसे बनाया है। ये आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद ही आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सी भी क्यूरी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, उनका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।